हेलो एवरीवन, आपण समस्त को वेलकम आम यूट्यूब चैनल उत्कला फिजिक्स को। तो यहाँ हूँ सीपीटी 2022 जो कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो तार सेकंड पार्ट। यहाँ तो फर्स्ट पार्ट रे ऑलरेडी मैंने तन्मय सर तांकर जो पार्ट गुड़ाक डिस्कसन कर सारी। तो ये वीडियो रे आपण मैंने जो जो क्वेश्चन गुड़ाक देखिए मिसिंग अच्छी ता मैंने हूँ कि से क्वेश्चन गुड़ाक आप फर्स्ट पार्ट वीडियो रे पाई परिबे। फर्स्ट पार्ट वीडियो रे तन्मय सर से क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कस करथिबे। आउ जो क्वेश्चन गुड़ाक आम ये सल्यूसन करुचु तो से क्वेश्चन रहा जहाँ मानते जहाँ भी किसी डाउट आस आप कमेंट करके पचारिपारे ना आप व्हाट्सअप ग्रुप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अच्छी से जॉइन करके भी डिस्कस करेंगे। सीट बहुत पिला अच्छा सह डिस्कस करेंगे। ठीक अच्छे तो बर्तमान स्टार्ट करवा क्वेश्चन। तो फास्ट एक रु 9 नंबर क्वेश्चन जाए यहाँ तन्मय सर भिडे अच्छी तेणु से देखिदेव। तापर फास्ट आस 10 नंबर क्वेश्चन मोर अच्छी क्लासिकल मेकानिक्स मोमेंटम इनर्सी क्वेश्चन अच्छी। क्लासिकल मेकानिक्स मोमेंटम इनर्सी आसे बहुत थर क्वेश्चन पचारे। मोमेंटम इनर्सी किसी मानते कम्प्लेक्स सिस्टम पचार कि डेनसीटी भेरी करके पचार तुम डायरेक्ट डायरेक्ट हिं पचारे एर डायरेक्ट पचार मानने तुम ये टाइप पचार कि डायरेक्ट मानते सिस्टम गुड़ाकर रिंग र समथिंग गोटे एक्सीस दे कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया के डिस्क रोटे एक्सीस दे कि सर्टेन एक्सीस दे कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया के सिलिंडर के स्फीयर रे तो जिते सब मानते सिस्टम गुड़ाक अच्छी तो सिस्टम गुड़ाक मोमेंट ऑफ इनर्सिया तुमको मन रखापी हम। तो ये क्वेश्चन देखिए ये कौन मांगी मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग रोटे सर्कुलर रिंग ने तो सर्कुलर रिंग रखी सर्कुलर रिंग ने गोटे तो सर्कुलर रिंग रो से कौन कही कि टैंजेंट देखिए से हमको देखापी कही। तो ये टैंजेंट एक्सिस नहीं चे टैंजेंट एक्सिस हमें नहीं चु तो ये एक्सिस अबाउट से मोमेंट ऑफ इनर्सिया मागिजी। ठीक अच्छे तो यार हमें कमिटी का बाहर कर पारे आम पाखे मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेशन करने दुटा एक्सिस थ्योरम अच्छी गोटे हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आउटे हूँ पारालल एक्सिस थ्योरम। ये दुटा एक्सिस थ्योरम अच्छी तो ये आम कहार अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको जना अच्छी यार जो डायमीटर देखि जो एक्सीसटा जा अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको जना अच्छी गोटे रिंग यहाँ गोटे कौन मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सर्कुलर रिंग तेनाली गोटे रिंग सेंटर देखिए मानते जो डायमीटर देखिए जाइए तार मोमेंट ऑफ इनर्सिया के जना अच्छी तार मोमेंट ऑफ इनर्सिया के आई डायमीटर इक्वल टू केते हुए एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू। तापर एठी हमें कौन एक्सिस थ्योरम पकई परबा ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम कौन पाई ना दुटा एक्सिस पैरेलल अछि पैरेलल अछि तो ता दिजों के भीतर डिस्टेंस नहीं कि डिस्टेंस केते सर्कुलर रेडियस आर तो डिस्टेंस नहीं कि तापर तारो एम आर स्क्वायर करके हमें बाहर कर परबा। ठीक अछि आई टैंजेंशियल एक्सिस इक्वल्स टू आई डायमीटर प्लस एम डी स्क्वायर जोटा हुए सीटी एम आर स्क्वायर डी इक्वल टू आर अच्छी तो आई डायमीटर अबाउट केते एम आर स्क्वायर बाय टू तेणु एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर तो इक्वल्स टू केते आसला 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यार करेक्ट आंसर कौन बी 3/2 आर स्क्वायर। ठीक अच्छे ए क्वेश्चन टा समस्त बुझीपारल। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला पचारछि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर इज गिवन बाय। एक्चुअली क्वेश्चन टा टिके माने सत्ते भी ठीक ठाक नाही बाकी यार एक्चुअल फार्मूला होची तुमरो एनर्जी इक्वल टू एक्चुअली फार्मूला होची हाफ इनटू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस इंटु वॉल्यूम। तो ये सी एक्चुअली तुमको एनर्जी पर वॉल्यूम पचारनर्जी डेनसीटी जहाँ कही पार। तो जदि एनर्जी पर वॉल्यूम इक्वल टू देखे के हाफ इंटु स्ट्रेन इंटु स्ट्रेस नईदर एमती कही पार ना क्वेश्चन से कौन कही था पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेच वायर पर यूनिट वॉल्यूम जदि कहीदेव तो यूनिट वॉल्यूम है ये वॉल्यूम टर्म टा वन हो
तुम हाफ इंटु स्ट्रेस इंटु स्ट्रेन हो तो सही हिसाब से देखा मोर एक्यूरेट ऑप्शन कौनटा हम ऑप्शन बी हूँ मोर एक्यूरेट ऑप्शन जापरल तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन तले जो आस देखु तले जो नंबर गुड़ाक लिखाई जमीन 12 रु 14 पार्ट वन भिड से गुड़ाक से हिसाब से से जो क्वेश्चन गुड़ाक मैंने मिसिंग अच्छे से पार्ट वन भिड रे अच्छी 15 नंबर क्वेश्चन देख 15 नंबर क्वेश्चन कौन दे फाइंड द आइगेन वैल्यू ऑफ द ऑफ एन ऑपरेटर ऑपरेटर कौन दे क्यू कैप टाइट ऑपरेटर क्यू कैप इक्वल टू आई डी बाय डीएक्स फॉर द वेब फंक्शन कौन दे वेब फंक्शन इक्वल टू देते साई इक्वल टू 1/√2 ई टू दि पावर आई एक्स तो ये वेब फंक्शन ऊपर ऑपरेटर टाक ऑपरेट करवा देख देखला हमर आइगन वैल्यू इक्वेशन कौन क्यू कैप साई ऊपर ऑपरेट होती कि गोटे कांस्टेंट वैल्यू देव देखिए यदि पुणी थे सही वेब फंक्शन जब रिपीट हे तेज यही इक्वेशन को आम कौन कहींपर आइगन वैल्यू इक्वेशन ये इक्वेशन को आम कौन कहींपर आइगन वैल्यू इक्वेशन तो देखा ये ऑपरेट करके देखा केते आसमें ऑपरेट कले जो लामडा को आम ये कौन कही था यहाँ हूँ आइगन वैल्यू यहाँ हूँ आमर आइगन वैल्यू तो ठीक अच्छे तो देख ये आमर ऑपरेटर आई डी बाय डीएक्स ऑपरेटर है ऑपरेट है क्या उपरे 1/√2 ई टू दि पावर आई एक्स या ऑपरेट हो कौन आसला ये यार डेरिवेटिव कर ई टू दि पावर आई एक्स अच्छी आईटा बाहर को पलि आसा तेणु माइनस 1 × 1/√2 ई टू दि पावर आई एक्स तेल ये 1/√2 इंटु ई टू दि पावर आई एक्स यहाँ हिं तो हूँ ओरिजिनल साई ना तो यहाँ साई तो कैसे आसला फाइनाली माइनस 1 × साई तो आम आइगन वैल्यू इक्वेशन कौन थी लामडा इंटु साई तो ये लामडा इक्वल टू के लामडा इक्वल टू देवे के माइनस 1 ठीक अच्छे तो यार आइगन वैल्यू के करेक्ट ऑप्शन हूँ डी माइनस 1 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम थर्मोडायनामिक्स रु आइडियल गैस इक्वेशन रु पचार तो यार से कौन पचार देख मिनरल गैस इक्वेशन टा से लिखी पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटु वी माइनस बी इक्वल टू आर टी ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत थर पचारे ये पचार ए बाय वी स्क्वायर रिप्रेजेंट कौन करे देख ए बाय वी स्क्वायर जोटा ए बाय वी स्क्वायर यहाँ एक्चुअली रिप्रेजेंट कौन करे ना यहाँ हूँ प्रेसर करेक्शन टर्म ये टर्म टाक कौन कह जाए प्रेसर करेक्शन टर्म देख आम आइडियल गैस इक्वेशन कौन पीवी इक्वल टू एनआरटी तो देख एठी आमर कौन है प्रेसर रे प्लस ए बाय वी स्क्वायर माने जोग है वॉल्यूम रु माइनस भी माने वियोग है तेनालीटा कौन कर ए बाय वी स्क्वायर जो टर्म टा ये प्रेसर को करेक्ट करेतु आम आइडियल गैस रु यहाँ हूँ कौन आइडियल गैस यहाँ हूँ क्या रियल गैस तो आइडियल गैस जो आम रियल गैस को सिफ्ट हो तो से जो प्रेसर को किसी मान किसी परिमाण में करेक्ट होल्यूम किसी परिमाण में करेक्शन हो तो से प्रेसर को जी करेक्शन करें प्रेसर करेक्शन टर्म कहू जे वॉल्यूम को करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन टर्म कहू बाकी ये रिप्रेजेंट कले एयर रिप्रेजेंट करपर सी कौन कही आसूँगी ऑप्शन एक्चुअली जब ऑप्शन हिसाब से देखो तेज से क्या आस इफेक्टिव एरिया ऑफ मॉलिक्यूल नुहे मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी नुहे क्या एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स देख आमर जो जो रियल गैस नहीं था सॉरी जो आइडियल गैस नहीं था आइडियल गैस आम कौन एज्यूम कौन करूँ कि जो मन कर गोटे कंटेनर अच्छे कंटेनर भितर जो गैस मॉलिक्यूल्स गुड़ाक अच्छी एम परस्पर भितर इंटरेक्शन करेन तो इंटरेक्शन जब करेन तो से मैंने परस्पर को रिपेल करेंगे कि ना ही अट्रैक्ट करेंगे तो से जो करेक्शन टर्म जोटा ए बाय वी स्क्वायर ये आसू ना तो ये जिते आम रियल गैस नहीं ना से भितर से भितर परस्पर भितर अट्रैक्शन आसव तो जेहतु से परस्पर भितर अट्रैक्शन आसव तेनाली कौन हो तेनाली जो प्लस ए बाय वी स्क्वायर मैंने प्रेसर रे करेक्शन टर्म भी आसव वॉल्यूम रे भी करेक्शन टर्म आसव ये क्या आसूस अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डी ऑप्शन तेनाली करेक्ट अच्छे ये जापरल
ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ବୁଝିପାରୁଥିବ କି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହଉଥିବ ପଚାରିବ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ର ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି, ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଅପରେଟର, ଦ ଅପରେଟର ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏକ୍ସକେପ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏକ୍ସକେପ୍ଟା ପୋଜିସନ୍ ଅପରେଟର, ପି ଏକ୍ସକେପ୍ଟା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର, ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଏଜ୍। ଏଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ଖୋଲିକି ସାଇ ଉପରେ ଅପରେଟ୍ କରିଦେବ, ଦେଇକି ଦେଖିବ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଏ, ଏହାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସକେପ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସକେପ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଏକ୍ସକେପ୍, ଅପରେଟ୍ ହେଲା କାହା ଉପରେ, ସାଇ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏକ୍ସକେପ୍ ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ଏକ୍ସକେପ୍ ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ସାଇ, ଏଇଟା ଏକ୍ସକେପ୍ ଉପରେ ବି, ଏକ୍ସକେପ୍ ବି ସାଇ ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ୟା ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହବ, ଏଇଟା ୟା ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହେଲା। ଦେଲେ ଏକ୍ସକେପ୍ ସ୍କୋୟାର ସାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସକେପ୍, ପୁଣି ଏଇଟା ୟା ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହବ, ୟା ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଏକ୍ସକେପ୍ ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ସାଇ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ, ଇଏ ୟା ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହବ, ତେଣୁ ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ଏକ୍ସକେପ୍ ସାଇ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ ୟା ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହବ, ତେଣୁ ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ସ୍କୋୟାର ସାଇ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ ଅପରେଟର ତ ଏକ୍ସକେପ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସକେପ୍, ବାକି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର ପି ଏକ୍ସକେପ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଡୋ ୱାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦିଏ, ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିବା, ତ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ଏକ୍ସକେପ୍ ସ୍କୋୟାର ସାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସକେପ୍, ଏଠି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର ପୁଟ୍ କରିଦିଅ, ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଡୋ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ସାଇ ପ୍ଲସ୍, ଏଠି ପୁଣି ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଡୋ ବାଇ ସରି ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଡୋ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ, ତାପରେ କେତେ ଅଛି, ଏକ୍ସ ସାଇ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା, କେତେ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ମାନେ ଆଇ ଆଇ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ଦେଇକି ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଲେ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ସ୍କୋୟାର ଡୋ ସ୍କୋୟାର ସାଇ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ପୁଣି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କର, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ତ ଯାହା ଅଛି ସେମିତିକା ରହିଲା, ଏକ୍ସକେପ୍ ସ୍କୋୟାର ସାଇ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ, ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମରେ ଏଇଟାକୁ ଫୁଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବ, ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଦେଉଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଆମର, ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସକେପ୍ ଡୋ ସାଇ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ, ପୁଣି ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସକେପ୍ ଡୋ ସାଇ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ୟା ପାଇଁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ୟା ପାଇଁ, ଥରେ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହବ, ଥରେ ସାଇ ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହବ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ଉପରେ ଅପରେଟ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଡୋ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ସାଇ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ସ୍କୋୟାର ଡୋ ସ୍କୋୟାର ସାଇ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସକେପ୍ ସ୍କୋୟାର ସାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସକେପ୍ ଡୋ ସାଇ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ସାଇ ରହିଲା, ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ସ୍କୋୟାର ଡୋ ସ୍କୋୟାର ସାଇ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଏହାକୁ ରିଏରେଞ୍ଜ କରିକି ଭଲସେ ଲେଖିଦିଅ, ମାନେ ସାଇଟାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ, କେତେ ଆସିବ ତାହେଲେ, ଏକ୍ସକେପ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ସ୍କୋୟାର ଡୋ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ସାଇଟା ଏଠି ଉଡ଼େଇ ଦିଅ, ସାଇ ରହିବନି, ଡୋ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସକେପ୍ ଡୋ ବାଇ ଡୋ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ସାଇ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇ ଥିଲା, ଏଠି ବାହାରେ ବି ଇଣ୍ଟୁ ସାଇ ପାଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି
यार भैल्यू। तो ये देख क्या सह मैच ऑप्शन सी सह, ऑप्शन सी सह मैच हो तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट ऑप्शन। तुमने बुझीपार जिते भी एभलिया कौन इक्वेशन दे कि तुमको सल्यूशन करने कह सब एमती भांगी दब भांगी मल्टीप्लाय कर मल्टीप्लाय कला जी जहाँ ऑपरेटर मैंने अप्लाई करके ऑपरेट करके फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर ठीक है बुझीगला एभलिया क्वेश्चन पड़े कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 20 ग्राम ऑफ एटा थर्मोडायनामिक्स रो क्वेश्चन आछि लिखी 20 ग्राम ऑफ आइस जार लैटेंट हीट होउछि 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट सेम टेम्परेचर ठीक अच्छे से 0 डिग्री आइस रे थिला 20 ग्राम आइस थिला से 0 डिग्री रे ही माने से वाटर को कन्वर्ट हला देन द चेंज इन एंट्रोपी ठीक अच्छे गिवन कोन कोन अछि मास केते देछि तुमर 20 ग्राम लैटेंट हीट देछि केते लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एटा जेतु फ्यूजन प्रोसेस आइस टू वाटर होची 80 कैलोरी पर ग्राम टेम्परेचर केते देची 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन। तो एंट्रोपी चेंज काढ़िया आम तेना डेल एस इक्वल टू केते डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी तेना डेल्टा क्यू जगह आम के लिखिपर एम एल जेहेतु ये ओनली फेज चेंज हो तेणु एम एल एफ तेणु एम एल एफ डिवाइड बाय टी तेणु टू इंटु एल एफ के 80 डिवाइड बाय टेम्परेचर 273 सब ध्यान रखि थो टेम्परेचर सब कैनभिल को मैंने कैलभिन को कनभर्ट करके ही कर के भी सेलसीयस जो दुटा टर्म जुग हो वियोग हो केवल से समय तुम्हें सेलसीयस रखिले चलो ना आ सब तुमको कैलभिन को कनभर्ट कर कैलकुलेसन करने हम नॉर्मली यूजुअली सब क्वेश्चन रे तुमको सी मानने सेंटीग्रेड रे थोड़ा तुमको सब कैलविन को कन्वर्ट करी कर 273 डिग्री जहाँ भी देखो सी 273 डिग्री प्लस करदेव तेल से तुम कैलविन को कन्वर्ट हो ठीक अच्छे तुम्हारा के आसला 8 दुनिया 16 डिवाइड बाय 273 इक्वल टू के आसला 5.86 कैलोरी पर ग्राम 5.86 कैलोरी पर ग्राम ऑप्शन ए ऑप्शन ए है करेक्ट एटी जानपाल एभ जो भी थी फास्ट कौन करते हिट से खर्च होगा केट लगेगा से कैलकुलेसन कर तेल टेम्परेचर तो गिभेन थी हिट चेंज इन हिट डिवाइड बाय टेम्परेचर ठीक अच्छे करदेव तेल तुम चेंज इन एंट्रोपी आसपर नेक्स्ट नेक्स्ट मोर क्वेश्चन आसला द वेव फंक्शन ऑफ ए सर्टेन पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स रो क्वेश्चन अछि इन द रीजन 0 टू एल भितरे अछि तन 1 डी बॉक्स कथा से कहू इज गिवन बाय साई इक्वल टू ए साइन एक्स फॉर ए टू नॉर्मलाइज कांस्टेंट द करेक्शन वैल्यू द करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट देखो इमती तो नॉर्मली एटा माने हाँ यहाँ देख एक्चुअली तुम वन डी बक्स वेव फंक्शन टाइप रही क्वेश्चन टाइम टे इनकरेक्ट अच्छी ये इनकरेक्ट अच्छी देख एक्चुअली वन डी बक्स कथा देते सब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी सब देगुड़ाक भी सब वन डी बक्स ही नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ठीक अच्छे बाकी ये जो देख वेव फंक्शन टाइम वेव फंक्शन टे चेंज कर दे वन डी बक्स वेव फंक्शन के आसे रूट अफ जो 0 टू एल थे रूट अफ रफ 2 बै एल सैन एन पाई एक्स बै एल तेनाली पाई एक्स बै एल रहा ये जो सैन एक्स देना यहाँ साई इक्वाल टू ए सैन पाई एक्स बै एल रहा देखा तुम ठीक ठाक होता ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आता रूट ऑफ रफ 2 बै एल बाकी ये क्वेश्चन भूल अच्छी बाकी आम भूल क्वेश्चन को लेकिन भी यहाँ ठीक आंसर के देखीद ठीक अच्छे एभिया तुम क्वेश्चन देदे नेक्स्ट थर मे बी क्वेश्चन देदेव तुम करेक्ट ऑप्शन करके कैलकुलेसन कर देखीद केसर एक्चुअली यार आंसर के ठीक अच्छे बाहर करो 0 टू एल साई स्टार साई डीएक्स इक्वाल टू वन कंप्लीट लिमिट फोल लिमिट नहीं कि साई स्टार साई डीएक्स इक्वाल टू वन करके नॉर्मल कांस्टेंट बाहर करो तो 0 टू एल कर दियो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स इक्वाल टू वन देन कैसे आसला ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ भांगी दियो साइन स्क्वायर एक्स को
1 माइनस कॉस 2x इनटू dx इक्वल्स टू 1 आसला देन पुणी यार इंटीग्रेट करो देन s स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू इंटीग्रेट हला पर वैल्यू आसला 1 तनोटा l हे वाला माइनस sin 2x बाय 2 एटा होल रो डिवाइड बाय 2 इनटू 0 टू l लिमिट अछि इक्वल टू 1 देन एठी आसला s स्क्वायर डिवाइड बाय 2 l माइनस sin 2l लिमिट पुट कर देली डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू केते आसला 2 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 2l माइनस sin 2l ठीक अछि एटा होजी तुमर एठी करेक्ट आंसर बाकी एटा कोनोसी ऑप्शन सहित मैच करू नै त एक्चुअली ए क्वेश्चन ता तुमर ग्रेस थिला बाकी ए भले जदि भी तुमर एग्जाम रे क्वेश्चन पडुची तो जेहेतु तुम नेगेटिव मार्किंग नहीं तो बेस्ट ऑप्शन होची जेहेतु तुम जानि परजो कि एटा 1 डी बॉक्स कथा ही कहू छी क्वेश्चन रे भूल अछि ई जगह रे sin x दे दे छी भूल रे तो से समय रे तुमर बेस्ट होची कोन फले रूट ओवर 2 बाय l चूज करिवो ए भले जगह रे माने तुम नॉर्मल नॉर्मली 1 डी बॉक्स जति के आसीबे कथा सेटा ही चूज करिवो जे तुमर ठीक ऑप्शन सहित किछि मैच होनी ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखि द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इटा बहुत ही फेमस क्वेश्चन जतला डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉम्प्टन वेवलेंथ सहित सेम हबो तो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड कॉम्प्टन वेवलेंथ होजी कोन लैम्डा डी इक्वल टू एटा मने रखियो समस्ते लैम्डा सी डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ गामा स्क्वायर माइनस 1 गामा होजी कोन 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर ठीक अछि देन सी कोन कहि जी कि तुम्हारे डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉम्प्टन वेवलेंथ सहित बर्तमान सेम हो जाए तेणु इटा लामडा इक्वल टू लामडा डिवाइड बाय गामा स्क्वायर माइनस 1 है गला देन केते है गला रूट ओवर ऑफ गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 तो दे बोथ साइड स्क्वायर कर दियो तले गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 देन गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 गामा इक्वल टू केते और इटा राइट गामा इक्वल टू केते है गला रूट 2 तो रूट टू इक्वल टू कैसे 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस भी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इक्वल टू रूट टू देन ये को कैलकुलेट करो 1 माइनस भी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इक्वल टू तबे कैसे ही गला 1 बाई 2 पुनी थोड़ा स्क्वायर करी की उल्टे देनी तो नहीं इटा पुनी सेड को नहीं पड़े ले दले भी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इक्वल टू कैसे ही गला 1 बाय 2 तो v इक्वल टू केते आसला c बाय रूट 2 ठीक अछि जानि पालो एडा याड को नै गेली माने हाफ थिला माइनस हाफ हेला माइनस माइनस पुनी प्लस हेला कन्फ्यूज हो बनी तो करेक्ट ऑप्शन केते c बाय रूट 2 तो c ऑप्शन होची करेक्ट बुझी हेला बुझी पालो समस्त एफला थिले केते कहिथिबो डी ब्रोगली वेवलेंथ कॉम्प्टन दि गुणा ये यार अधा से तार तीन गुणा जहाँ भी थे सेत इमती का लामडा इक्वल टू लामडा एटी पकेल लामडा इक्वल टू 2 लामडा लामडा इक्वल टू 3 लामडा लामडा इक्वल टू लामडा बाय 2 जे हिसाब से क्वेश्चन देखो से हिसाब से यूज करके बाहर कर पार इंपोर्टेंट हूँ कौन रिलेशन रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड कॉम्प्टन वेवलेंथ ठीक अच्छे द नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन आम आ थर्मोडायनामिक्स से कौन कही डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन द कंडीशन ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम पार्टिकल इक्विलिब्रियम कौन कह केमिकल पोटेंशियल तो केमिकल पोटेंशियल जदि सेम अछि तबे सेटा कौन कह पार्टिकल इक्विलिब्रियम सेइ बळ जदि इक्वालिटी इन टेम्परेचर कह को सो करे थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम ठीक अछि तो थियोरेटिकल क्वेश्चन तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला हो जी इधर क्वेश्चन आसे कैपेसिटर ऊपर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी वन फर्स्ट कैपेसिटर सी वन रो देजी केते 3 माइक्रो फैराड सी टू रो देजी केते 6 माइक्रो फैराड अरेंज्ड इन सीरीज ठीक अछि दिटा सीरीज रे माने सीरीज रे अरेंज अछि आर कनेक्टेड विथ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए थर्ड कैपेसिटर
थर्ड कैपेसिटर कहते हैं C3 इक्वल टू 4 माइक्रोफारेड। द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू ए 6.0 वोल्ट बैटरी। तो वोल्टेज कहते हो 6.0 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक अच्छे। तो फास्ट सी इक्विवेलेंट जेटा C1 C2 फास्ट सीरीज रे अछि। तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज। देन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू केते C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 तले 3 इनटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 इक्वल टू केते आसला 2 माइक्रोफैराड। आ जानि जो भी इंती का यदि सीरीज रे कनेक्ट अछि कैपेसिटर माने सेमान को इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जति कि थिवो सेमान को सीरीज रो कनेक्शन हला पर कैपेसिटेंस सबले तातो कम आसीबो। हम देखो एटी 2 माइक्रोफैराड आसी एटी देखो इंडिविजुअली 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड थला तनो तातो कम दि आसी पैरेलल जतो जो करिवो तातो अधिक आसीबो। तापर ये पुनी कोन हिची ये C3 सहित सीरीज रे कनेक्ट अछि सॉरी पैरेलली कनेक्ट अछि। तो वर्तमान सी प्राइम इक्विवेलेंट इक्वल टू केते हिला दैट दा सहित जुग होबो त सी इक्विवेलेंट प्लस 3 माइक्रोफैराड। तो एटा केते थिला 2 माइक्रोफैराड प्लस केते अछि 3 माइक्रोफैराड देले इक्वल टू केते आसला C3 तुम्हारो कते दैछि 4 माइक्रोफैराड सॉरी C3 दैछि 4 माइक्रोफैराड। तेरे केते आसला टोटल 6 माइक्रोफैराड। तनो वर्तमान हमें टोटल जो हमर सर्किट गिवन अछि तारो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते अछि सेटा हमें कैलकुलेट कर देलु। तो वर्तमान सेइ भले पोटेंशियल केते दैछि पोटेंशियल गिवन अछि केते 6 वोल्ट पोटेंशियल गिवन अछि। तो वर्तमान एनर्जी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर केते देन टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज फॉर्मूला होची केते हाफ सी इनटू वी स्क्वायर। तो हाफ सी केते 6 इनटू वोल्टेज केते दैछि 6। ठीक अछि। पण एटा माइक्रो अछि तो इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 6 माइक्रोफैराड अछि ना। तो एटा को 3 हेला तले आसला केते फाइनल जतले एको कैलकुलेट करिवो यार वैल्यू आसला केते 1.08 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। ठीक अछि। बुझला एटी दीटा 6 अछि गुटे 6 मिसिंग अछि। हां आसला तनेति के जे आंसर ऑप्शन का सहित मैच होछि देखो डी ऑप्शन सहित मैच होछि त ऑप्शन डी हला करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन आछि थर्मोडायनामिक्स रु इन व्हिच टाइप ऑफ द प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी जीरो। चेंज इन एंट्रोपी रो फार्मूला कोन फर्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी। हीट कहा पई कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस पई हीट होची कांस्टेंट तनो हीट होची कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक अछि। तनो एडियाबेटिक प्रोसेस पई हीट जेतु कांस्टेंट तनो डेल्टा क्यू दा पई केते हिजबो जीरो। तनो डेल्टा क्यू जदी जीरो तनो डेल्टा एस इक्वल टू केते डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी इक्वल टू जीरो। तो एटा कोन होबो एडियाबेटिक। तो इफ माने एंट्रोपी ऊपर ए टाइप रो भी क्वेश्चन पचारे केते पचार देबो यूनिवर्स रो एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस काई पई केते यूनिवर्स रो डेल एस यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस होची जीरो। यदि इररिवर्सिबल प्रोसेस पई केते एटा मने रखिबो इररिवर्सिबल प्रोसेस पई केते होची नॉट इक्वल टू जीरो एटा होची केते ग्रेटर देन जीरो। ठीक अछि। एटा होची केते
always greater than zero. It was for irreversible. Our reversible by equal to zero. The next, next as lamoro, the electric field at a distance. ED ro question, static electricity ro question at a distance 0.05 meter from a sheet charge distribution of surface charge density. Ethic deji surface charge density given. So given pronounce amara sigma equal to given 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter square. Tabretti con deji sheet of charge deji. Electric field and plane sheet by Jonachi equal to sigma divided by 2 epsilon naught. So, nine less a tiki. So, 80 deco, a question ro taro moon mana mulojo in soji, sejo pocharchi, distance, epic distance recatevo. Baki jetlebi consitumku plane sheet naki pocharchi, so will a kyal recuo. Plane sheet to electric field, kebebe distance over depend for any. To make a distance as a major corujo, kichibi for a quadini. देखो तुम्हें फार्मूला तो ये लिखा है कि इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो एठी कोनसी जगह रे भी किसी आर की ये बड़ा किसी टर्म अछि की त माने कोन ये डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करूनी तो यदि डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करूनी तबे तुम्हें जो 0.05 मीटर जब दउची तो या पर किसी भी फरक पड़िवोनी त माने केते आसीबो सिग्मा गिवन अछि 2 into 10 to the power minus 8 गिवन अछि डिवाइड बाय 2 into epsilon naught vera value poki dio 8.85 into 10 to the power minus 12 e calculation kale kete asla 0.11 into 10 to the power 4 volt per meter tam kaha soito match hela 0.011 soite tapra eti puni dekhibo aru eti gote jinsa kon dekhibo ketla conducting kotha kouchi ki non conducting kotha kouchi sei hisab re dekhiki bi kaam karibo thik achi. Then the Kiva next question. Next question tomorrowchi Idiru. Next question second koichi tumku electric field or magnetic field given deji could electromagnetic wave the key pointing vector pacharchi. So pointing vector of formula kono S equal to E vector cross H vector. E vector cross H vector. So data ko simply tumku given achi di jonga cross cardio. So I kf, j kf, k kf, 82, 2, 3, k kf pere 0 achi, tab reta kate minus 3, 2, k kf 0 achi, so minus 3, 2, 0. Yako solve kala kate achi, 4 plus 9, 2 dune 4, 3, 3, 9, k kf. Tano kate achala 13, k kf. तो मैग्नीट्यूड कितना है ला 13. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कोई थी डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी देयर इन ए कौनटी डिस्प्लेसमेंट करंट आस परबो कैपेसिटर रे केतला आसीबो कैपेसिटर जतले चार्जिंग कंडीशन बा डिस्चार्जिंग कंडीशन बले जतले चार्जिंग कीबा डिस्चार्जिंग कंडीशन हुए सते बले कोन हुए सर्किट रे एक्चुअली करंट फ्लो हुए किंतु तार जो माने कैपेसिटर भितरे जो इन्सुलेशन माने जो इन्सुलेटर पार्ट जोंटी सेटी एक्चुअली तो करंट फ्लो हुए नी ना तो सेटा एक्चुअली जस्टिफाई कहा द्वारा करबे डिस्प्लेसमेंट करंट द्वारा तो सेटा कैपेसिटर जतले द लिखनियो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन समय रे डिस्प्लेसमेंट करंट आसे ठीक अछि तो 23 नंबर भी बुझिलम नेक्स्ट देखिबा energy stored in a magnetic field same direct question energy stored in a magnetic field kete b square divided by 2 mu naught inte bahut guda tumar ethara bhi dekhibo ethara tumar conduct ssb gurdi kono ethara mane bahut adhika probability je tumar mane bahut guda ko direct question asibo tenu mane jaldi jaldi question kariya pai try karibo ethi exam re time mane bahut kam milibo tumku 60 mane minute 80 ta question tenu bahut kam samay tumku milibo हो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेही प्लस 2 बेसिस क्वेश्चन एटा देखो लिखै जी टू फोर्सेस एक्ट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री थीटा इक्वल टू के दै जी 120 डिग्री इफ द ग्रेटर फोर्स इज
केते दैछि 80 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स देन स्मॉलर फोर्स इज इमते क्वेश्चन भी आसे तुमर ठीक अछि इमते क्वेश्चन भी तुमर एटा को पूरा माने प्लस 2 बेसिस क्वेश्चन ठीक अछि देखो थीटा इक्वल टू केत देछि एटी 120 डिग्री देछि ग्रेटर फोर्स इक्वल टू द सॉरी टिके चेंज हो गेला एटा एको ए क्वेश्चन नोट 45 टा मिसिंग होथि ठीक हो जा आगे 49 टा कर दो रे 45 टा कर दबा एटा माने आगे की पळैला ठीक हो जा थीटा इक्वल टू 120 डिग्री एटी गिवन अछि तर एफ इक्वल टू केत देछि 80 न्यूटन देछि तो फर्स्ट ईयर गोटे चित्र बन तो फोर्स मन कर इमिका तुम लगुच एफ वन के 80 न्यूटन फोर्स लगुच तो यहाँ नॉर्मल बन नॉर्मल कंपोनेंट तो यहाँ एफ वन कॉस थीटा ये 30 डिग्री एटा के 90 डिग्री टोटल है 120 डिग्री एफ वन कॉस 30 इटा है एफ वन साइन 30 दुटा कंपोनेंट भांगी देन एफ टू इक्वल टू केते आसला इटा एफ वन इटा एफ टू से कौन कौन परपेंडिकुलर टू एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स ठीक अच्छे तेना एफ टू इक्वल टू आम कैलकुलेट करार अच्छे यहाँ हूँ एफ टू तेना एफ टू इक्वल टू के एफ टू इक्वल टू एफ वन साइन 30 तेणु 80 इंटु साइन 30 के हाफ इक्वल टू होगा 40 न्यूटन तेणु एफ टू इक्वल टू के 40 न्यूटन ठीक अच्छे डायरेक्ट इजी क्वेश्चन एटा बुझिपार ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन टा देख या लास्ट क्वेश्चन टा आम मानने छाड़ दे ऊपर क्वेश्चन टा गिवन अच्छे कौन सोडियम लैंप इज रेडिएटिंग पावर ऑफ 50 वाट तो पावर के 50 वाट पावर देपर कौन कही द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस 3 मीटर डिस्टेंस तुम आर इक्वल टू के 3 मीटर फ्रॉम द लैंप इज ठीक अच्छे देखा वी नो दैट आई इक्वल टू के पावर अपॉन एरिया तुम ये पावर के 50 डिवाइड बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आर एटी के 3 तेना 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर ठीक अच्छे देन तापरे पुणी देखो अगेन अगेन we know that intensity in terms of electric field darkar am to electric field is kete I equal to eta intensity in terms of power and area माने रेडियस एटा इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमरो केते हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी देन पुट करो आई इक्वल टू एठे हम ऑलरेडी पाई जु वैल्यू तनो 50 डिवाइड बाय केतेला 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी देन 50 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस इंटु 2 इंटु सी कौन पाई ई आर एम एस आया भितर रिलेशन जान ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय 2 ठीक अच्छे
देन कते हला इटी ई आरएमएस रो स्क्वायर इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन इनटू सी स्क्वायर देन ई आरएमएस इक्वल टू कते ई आरएमएस इक्वल टू 50 डिवाइड बाय सब जे जा वैल्यू पके दियो 4 इनटू 3.14 इनटू 9 इनटू कते 8.85 एप्सिलॉन वैल्यू पके देली इनटू 10 देयर माइनस 12 इनटू 3 इनटू 10 टू द पावर 8 तो समस्त वैल्यू पके के सॉल्व करले एटा कते आसला टोटल वैल्यू बाहर करले 0.1290 इनटू 10 टू द पावर 2 बा कते आसला 12.9 वोल्ट पर मीटर जानी पर लो इमते क्वेश्चन किमते करियो फर्स्ट तुमको इंटेंसिटी माने ये पचार छी ईआरएमएस वैल्यू पचार छी तो दीटा इंटेंसिटी बाहर कर दो गुटे इंटेंसिटी हमको पावर जेहेतु दे छी त इंटेंसिटी बाहर कर देले त इंटेंसिटी पावर बाय एरिया करी बाहर कर देले प इंटेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म रे भी जानि छु त इलेक्ट्रिक फील्ड और आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर भी रिलेशन जानि छु त सेई सब रिलेशन यूज करी के हम एटा कैलकुलेशन करलो जानि पर लो किमते कैलकुलेशन हला एटा देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट तो कराइतला तारे 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन रे से कोन कहिथि ए बॉल मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ठीक है से कोन कोन दै छि एटी जे बॉल टा गुटे गिवन अछि वेलोसिटी दै छि कते 5 मीटर पर सेकंड दै छि तापर एटी देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कते दै छि ई इक्वल टू दै छि 0.5 ठीक है एंगल ठीक दे छी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड इट्स डायरेक्शन आफ्टर इंपैक्ट इज इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज एते द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर इंपैक्ट विल बी ठीक है देखिबा कोलाइजन रो क्वेश्चन एटा चित्र बनै नबा बुझिया पई इजी होबो फर्स्ट मन कर एमती का आईजी 45 डिग्री एंगल करके आरो बैंड है ला 45 डिग्री एंगल करके आटा तर एम 45 डिग्री एंगल करके जा ठीक अच्छे यहाँ है भि यहाँ है भि प्राइम यहाँ आम के पार भि प्राइम कॉस 45 डिग्री एटा केला भि प्राइम साइन 45 डिग्री एटा 45 डिग्री माने एटा भी 45 डिग्री एटा केते हला भि कॉस 45 डिग्री ठीक अच्छे देन देखिबा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कौन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देन इक्वल टू केते हला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन केते हो जी भि प्राइम कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच केते इटा केते सेपरेट हे जाउ जंती इटा तो कोन अप्रोच केते हो जों देखौ जी तनु भि कॉस 45 डिग्री तनु इक्वल टू केते हला तेणु भि प्राइम इक्वाल टू आसला कॉस 45 तो कैनसल होगा तेनाली भि प्राइम इक्वाल टू इ इंटू भि आसला तेणु इ ये तो गिवेन अच्छे 0.5 इंटू वेलोसिटी गिवेन अच्छे 5 तो टोटल तुम के आसला वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 51 नंबर क्वेश्चन देख इफ एन एलिमेंट हेज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक माने बीसीसी स्ट्रक्चर गोटे से कही विथ एटॉमिक रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम देन द लैटिस कांस्टेंट विल बी ठीक अच्छे बीसीसी रो आमे नॉर्मली रेडियस रो फॉर्मूला कौन जान आर इक्वल टू के रूट 3 ए बाय 4 तो बर्तन ए इक्वल टू के 4 आर डिवाइड बाय रूट 3
তেমন বর্তমান আর গিভেন আছে, আর জায়গায় আর ভ্যালু পুট করে দেবো তাহলে এ পাই যাব। সেই এ করো তাহলে এ ইকুয়াল টু 4 ইন্টু আর কেতে গিভেন আছে 0.5 ডিভাইড বাই রুট 3। এটি মু 0 10 টু দিয়ে -10 এইথিপাই পকোনি, এটি অপশন বি মোর আংস্ট্রম রে আছে সব ঠিক আছে। তাহলে 4 ইন্টু 0.5 ইন্টু ডিভাইড বাই রুট 3, তো এইটা সলভ করলে মোর আনসার কেতে আসলা 1.15 আংস্ট্রম, 1.15 আংস্ট্রম ঠিক আছে। তোমার অপশন ডি হলা করেক্ট 51 নম্বর। এটি তোমার সলিড স্টেট রে কিমতে কিমতে কোশ্চেন পচারি পারে, ইমতিকা পচারি পারে। তারপরে এটি তোমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমার কোঅর্ডিনেশন নম্বর কেতে, নম্বর অফ এটম কেতে, নিয়ারেস্ট নাইবরিং মানে এটম কেতে, তার রেডিয়াস কেতে, এইসব জিনিস উপরে আর মিলার ইন্ডিসেস উপরে কোশ্চেন পচারে সলিড স্টেট উপরে। তুমি সেই সব জিনিস সলিড স্টেট টিকে ধ্যান দেব। দেন নেক্সট কোশ্চেন আসবে, নেক্সট কোশ্চেন কোন কইছি, দ্য রিলেটিভ পারমিটিভিটি অফ এ মেটেরিয়াল ইজ 4, দ্য স্পিড অফ লাইট সি ইনসাইড দ্য মেটেরিয়াল ক্যান বি। তো এপসাইলন আর ইকুয়াল টু কেতে দেইদেলা 4 দেইদেলা ঠিক আছে। তুমি আমি জানছে কোন রুট ওভার অফ এপসাইলন আর ইকুয়াল টু এন, এন হচ্ছে কোন রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স, তেমন এন ইকুয়াল টু কেতে গেল রুট 4, এন ইকুয়াল টু রুট 4, তেমন এন ইকুয়াল টু একচুয়ালি কেতে গেল 2, পুনি এন ইকুয়াল টু কেতে, এন ইকুয়াল টু পুনি কেতে সি বাই ভি, তেমন সি বাই ভি ইকুয়াল টু 2, তেমন ভেলোসিটি ইকুয়াল টু কেতে গেল সি ডিভাইড বাই 2, তেমন ভেলোসিটি হি মাকিছি এটি, তো ভেলোসিটি ইকুয়াল টু কেতে সি ডিভাইড বাই 2, এ হেলা করেক্ট অপশন। দেন আসিবা নেক্সট কোশ্চেন আমার, হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট প্রপার্টি অফ এ লেজর সোর্স। তো লেজর প্রপার্টি কোন কোন জানছ, লেজর হওয়া পাই গোটে মানে কোহারেন্ট হইতিবা দরকার, হাইলি ডাইরেকশনাল হইতিবা দরকার, স্টিমুলেটেড এমিশন হউতিবা দরকার, এই সব হচ্ছে লেজর প্রপার্টি। এটি সে বাকি কোন কইছি, নট নট রিপ্রেজেন্ট দ্য প্রপার্টি অফ লেজর, তার মানে লো ইন্টেনসিটি, কারণ হাই ইন্টেনসিটি রুহে সেটি। তেমন 54 র অপশন এ হেলা করেক্ট। তারপরে নেক্সট দেখিবা 55 নম্বর, ফর টাইপ অফ ম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার ইজ অবজার্ভ ইন টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টর। টাইপ আই সুপার কন্ডাক্টর কি প্রকার ম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার দেখে, ডায়াম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার, আর ডায়াম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার যেহেতু দেখে সেইপাই তোমার তা ভিতরে মেজনার ইফেক্ট দেখা যায় ঠিক আছে। মেজনার ইফেক্ট যে ম্যাগনেটিক লেভিয়েশন এইসব জিনিস কাহা পাই আসে, তার ডায়াম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার পাই, যেতবে গোটে টাইপ 1 সুপার কন্ডাক্টর তোমার সুপার কন্ডাক্টর ভাইয়া তো বিহেভ করিব, সেতবে সে কি ভাইয়া মানে বিহেভ করিব, গোটে পারফেক্ট ডায়াম্যাগনেট ভাইয়া বিহেভ করিব ঠিক আছে। কারণ সে ডায়াম্যাগনেট ভাইয়া বিহেভ করি মানে কোন, এটা মনে করতে তোমার তোমার স্পেসিমেনটা, তো সে কোন করিব, ইয়া ভিতরকু তোমার যে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি তুমি অ্যাপ্লাই করিব, ইয়া ভিতরকু এন্টার করিয়া পাই দবনি, দবনি কিমতিকা, ইয়া ভিতরে জাস্ট অপোজিট ডাইরেকশন রে সি ইন্টারনালি গোটে অপোজিট ডাইরেকশন ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করিব ঠিক আছে। সেইথিপাই ম্যাগনেটিক লেভিয়েশন বি হুয়ে ম্যাগনেল তোমার যে ম্যাগলেপ ট্রেন ইয়ে সেই সব এই সব মানে কনসেপ্ট উপরে চলে ঠিক আছে, বুঝিপারল। দেন নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, দ্য এফিসিয়েন্সি অফ এ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার, এফিসিয়েন্সি অফ এ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার কেতে 81.2%, আর যদি হাফ ওয়েভ র পচারে তবে 40.5%, এটা হলো হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার র 81.2 হলা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার র। তারপরে নেক্সট দেখিবা, নেক্সট পচারছি কোন, ইফ দ্য ইলেকট্রন ডেনসিটি অফ এন টাইপ সিলিকন ইজ 2 × 10⁶ সেন্টিমিটার কিউব, দেন হোয়াট ইজ ইটস হোল ডেনসিটি। তোমার সেমিকন্ডাক্টর কোশ্চেন আছে, এটি গিভেন কোন কোন আছে, এনি গিভেন আছে 2 × 10⁶ সেন্টিমিটার কিউব ইনভার্স, তেমন আমি জাণিছু কোন এনি ইন্টু এনএচ ইকুয়াল টু এনআই স্কোয়ার, দেন এনএচ ইকুয়াল টু এনআই স্কোয়ার, এনএচ ইকুয়াল টু এনআই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এনই, দেন খালি ভ্যালু পুট করে দিও 1 × 10⁻১০ র স্কোয়ার ডিভাইড বাই 2 × 10⁶
एन आई इक्वल टू मैं डायरेक्ट द वैल्यू पुट कली 1 इंटू 10 टू दि पावर 10 सिलिकॉन पे मन रखा हम वोटा तुमको सिलिकॉन रो वैल्यू एन आई रैल्यू हूँ एति की तुमको मन रखा हम 1 इंटू 10 टू 10 द स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू दि पावर 16 देन इक्वल टू के सॉल्व कले 5 इंटू 10 टू दि पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स ठीक है। तो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। इमतिका ये सब रिलेशन उपरे सॉल्व जो मान तुम मान सेमिकंडक्टर इमती कि रिलेशन अच्छी डायोड रिलेशन डायोड करेंट टेम्परेचर हिसाब से कमी चेंज हुए तो सही सब जिन ध्यान रखियो से सब जिन क्वेश्चन आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हेज मैंने गोटे डायोड जो रिवर्स बायस थे कौन हुए वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर ना डिप्लेशन लेयर बहुत ही हाई हो जाए से रिवर्स बायस को पलि जाए अलमोस्ट नो करंट यहाँ ही ठीक अच्छी वेरी लो रेजिस्टेंस ना वेरी हाई रेजिस्टेंस जाए से तो करंट फ्लो हो पारे लार्ज करंट फ्लो ना यटा ही भूल अच्छे अलमोस्ट नो करंट फ्लो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। तापर आसवा 60 नंबर ए ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड बाय डैश नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशन ट्रांजिस्टर तीन प्रकार कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर तो तीन प्रकार मोड रे माने तीन प्रकार कॉन्फ़िगरेशन रे ऑपरेट हो पारिबो। ट्रांजिस्टर रे गोटे क्वेश्चन ध्यान दबो तुमरो पचारिबो ए जो कॉमन कलेक्टर कॉमन एमिटर कॉमन बेस एगुडा को ऊपर से पचारिबो कि माने इनपुट आउटपुट भितरे केते फेज डिफरेंस तापरे तुमरो या फेज डिफेंस उपरे कहारो इनपुट करंट हाई कहारो इनपुट रेजिस्टेंस हाई कहारो पावर गेन अधिका कहारो वोल्टेज गेन अधिका ए सब जिनस नै कि पचारिबो। तापरे तुमरो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन रे अछि कि सैचुरेशन रीजन अछि ए सब जिनस उपरे नै कि से क्वेश्चन पचारि पारे ए सब जिनस उपरे ध्यान रखिबो। तापरे नेक्स्ट देखिबा फोर ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द कॉमन बेस करंट गेन इज 0.95 इट्स कॉमन एमिटर करंट गेन विल बी तुम अल्फा इक्वल टू गिवेन दे देला करंट गेन दे देला 0.95 गिवेन अछि देखि पचार छी कोनो बीटा पचार छी अल्फा बीटा भीतर रिलेशन जानि छियो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा तो बीटा बाहर करि अछि वैल्यू जस्ट वैल्यू पुट करो 0.95 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.95 इक्वल टू केते आसीबो 19 नो करेक्ट आंसर हला सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन ए चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड एटा माने कहा कथा से कहला देखो तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस कथा ही कहला माने निजे निज को जतला इंड्यूस कर दे एटा ही तो तहरी कंडीशन ही कहला एटा हला सेल्फ इंडक्टेंस माने जस्ट थर माने डेफिनेशन दे कि तुम कहू जी ये किए। तापर 62 नंबर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक से कौन कौन एज्यूम करता परफेक्टली इलास्टिक से माने इंटरेक्शन करिवे नहीं सब जिनस टिके आग्रह मु कहतली जोड़ा को माने परफेक्ट गैस पई। तापर 63 नंबर से थर्मोडायनामिक्स आसी क्वेश्चन देखो तुम बहुत क्वेश्चन एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स रु आसी देखो स्टार्टिंग पार्ट रे तुम थर्मोडायनामिक्स रे केते क्वेश्चन थिला पुनी एबे थर्मोडायनामिक्स रे केते क्वेश्चन आछी थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एई सब जिनस उपर ध्यान दउथो ए सब जिनस रे बहुत क्वेश्चन आछी पुनी 63 नंबर कोन दला फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर सीपी एंड सीवीआर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली व्हिच वन इज करेक्ट देखो एटा बाहर करिया पई हबो टिके त से कोन कहि छी रिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस कोन कहि छी देखिबा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ना डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जेहेतु तुम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कही तेनाली डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो होगा देन डी यू इक्वल टू के माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो डी यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो पुणी डी इक्वाल टू डेल डब्ल्यू इक्वाल टू के पीडी तो माइनस पीडी तेनाली डी यू इक्वाल टू
माइनस पी डीबी जेहेतु डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीबी देन पुणी आम जानू कौन सी भी इक्वल टू आम रिलेसन जानू डी यू बै डी टी इक्वल टू भि देन डी यू इक्वल टू पुट कर डी यू जगार पुट कर दियो ठीक अच्छे डी इक्वल टू केतला सी भि डी टी देखे सी भि डी टी है पुणी सी भि डी टी इक्वल टू डी यू इक्वल टू आम ये बाहर करते माइनस पी डी भि माइनस पी डी भि देन सी भि डी टी इक्वल टू के आसला माइनस आर टी डिवाइड बाय भि इंटू डी भि ठीक अच्छे देन ये पुणी कौन है डी टी डिवाइड बाय डी भि ये डी भिटे तौक नहीं आसली इक्वल टू माइनस आर टी डिवाइड बाय भि टू वन बाय सी भि इक्वल टू कत तेरे माइनस टी डिवाइड बाय भि इंटू वन डिवाइड बाय वन बाय सी भि इंटू आर देन यहाँ के टी डिवाइड बाय भि इंटू वन बाय सी भि इंटू सी भि माइनस सीपि यहाँ कौन ऑप्शन सह करेक्ट हो प्रोपोर्शनल लुक क्या कौन सी भि माइनस सीपि बुझिपार सब बुझिपार क्लीयरली फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पचारे ये रिलेशन रु आम कम्प्लीटली डिराइव कले यहाँ आर टी कन्फ्यूज हो ना तो आर टी कौन पाई है पी डी भी थिला पी भी इक्वल टू एन आर टी यू आम यूज कले यू आम यूज करके यहाँ आर टी यूज करदे पी डी भी थिला पी डी भी जगह पी जगह तुम से आम कौन कले आर टी डिवाइड बाय भी करदे ठीक अच्छे जेहतु आम प्रेसर वॉल्यूम टर्म में बाहर करार अच्छे कन्फ्यूज हेनी देख ये आम कौन कले पी डी भी थिला पी डी भी जगह आम कौन कले पी इक्वल टू आर टी डिवाइड बाय भी करदे देखिए बाहर कले क्लियर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन आउथरू एन आइडियल से थर्मोडायनामिक्स एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हेज फ्रीजर ए टेम्परेचर माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन इज 5 टेम्परेचर ऑफ द एयर तमें सिंक्रो टेम्परेचर के पचार गिवेन कौन अच्छी टी टू गिवेन अच्छी टी टू इक्वल टू के माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड तमें तुम केल्विन रे कले के 261 केल्विन प्लस 273 करदे टी वन सी पचारि के कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वल टू से कही पाँच देणु एफिशिएंसी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भितर तुम रिलेशन जान मोर एफिशिएंसी इक्वल लिखि दे तुम एफिशिएंसी इक्वल टू के वन बाय वन प्लस के एफिशिएंसी इक्वल टू के वन माइनस टी टू डिवाइड बाय टी वन इक्वल टू के तेज हो वन बाय सिक्स देन रिलेट करके बाहर करो देन आसला के टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाय टी वन इक्वल टू वन बाय सिक्स तेल सिक्स टी वन माइनस सिक्स टी टू इक्वल टू टी वन देन टी वन इक्वल टू के आसला सिक्स टी वन इक्वल टू फाइनाली कैलकुलेट कर दिए टी वन एटी फाइव टी वन आसला फाइव टी वन फाइनाली तुम आसला के सिक्स डिवाइड बाय फाइव इंटु टू सिक्सटी वन देन टी वन इक्वल टू फाइनाली के आसला 313.2 केल्विन पुणी एटी ऑप्शन तुम सेंटीग्रेड रे अच्छी तुम माइनस 273 डिग्री माइनस कर देलो देले तुम सेंटीग्रेड रे आसीबो केते आसला 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड तुम ऑप्शन सी हला करेक्ट ऑप्शन देखो आम एटी कौन कले आमको एटी से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवेन अच्छी आउ सोर्स आउ सिंक टेम्परेचर गिवेन अच्छी तो आम कौन कले आम एफिशिएंसी इक्वल टू जानी के वन माइनस टी टू डिवाइड बाय टी वन तो वन माइनस टी टू डिवाइड बाय टी वन इक्वल टू आम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन करदे देखिए आम से रिलेट करके कैलकुलेशन करदे आ कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन देख फास्ट मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन एटा हिसाब से तो ऑप्शन बी एटी करेक्ट अच्छी बाकी देख मुझे मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स रिलेशन कह भी दूसरी देख किमती मन रख कि ट्रिक देख कौन ट्रिक यूज करके फास्ट इमती का चार्टा गार मारदेल मुझे जो ट्रिक यूज करे से ट्रिक यूज कर थर्मोडायनामिक स्क्वायर रो भी ट्रिक यूज करके मन रखिपर फास्ट फास्ट और लास्ट माइनस बसईदेल तापर कौन कल ना इटा डिवाइड बाय डी यार तले यार ऊपर यार फास्टार तले लास्टार ऊपर डी करदेल सर कथा केवल यहाँ मन रखे एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आउ सब क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज बुझिपार चार्टा बनईदेल फास्टार तले डी लास्टार ऊपर डी जे गुड़ाक एंटी क्लॉक वाइज से गुड़ाक माइनस जे गुड़ाक क्लॉक वाइज से गुड़ाक प्लस ताप कौन यार माने तुम ट्रिक हूँ स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी तमें कौन एस पी टीवी यही सिक्वेन्स तुम चलो एंटी क्लॉक वाइज अच्छी तेणु स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी होगा देन तापर पुणी कौन ये तुम क्लॉक वाइज चलो ठीक अच्छे क्लॉक वाइज चलो तो ये डी उपरे डी तले ये देख डा ये सिक्वेन्स रले उपरे तले उपरे ये सिक्वेन्स रहा डी ये तले उपरे पुणी तले पुणी उपरे ये सिक्वेन्स रहा क्लॉक वाइज चलो डी स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी क्लॉक वाइज चलो तेना स्पेशल प्रोग्राम टीवी एटी एंटी क्लॉक वाइज चलो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी तुम यही प्रकार ट्रिक यूज करके तुम कैलकुलेट कर ट्रिक यूज करके मन रखिपर ना थर्मोडायनामिक स्क्वायर यूज करके भी तुम्हें मन रखिपर एटाला कन्स्टाट एंट्रोपी कन्स्टाट भल्यूम जेटा जेटा जार अपोजिट रहा है कन्स्टाट एटाला कन्स्टाट एंट्रोपी एटी यार अपोजिट्रे के प्रेसर कन्स्टाट प्रेसर ये अपोजिट्रे के कन्स्टाट टेम्परेचर ये अपोजिट्रे के कन्स्टाट भल्यूम ये अपोजिट्रे के कन्स्टाट टेम्परेचर ये अपोजिट्रे कन्स्टाट प्रेसर तापर देख यू थर्मोडायनामिक्स रिलेशन रो आउ गोटे इंपोर्टेंट रिलेशन है थर्मोडायनामिक स्क्वायर मुझे थर्मोडायनामिक मैंने स्क्वायर भी कमी तुम ट्रिक यूज करके मन रखिपर तो यहाँ भी कही दूसरी थर्मोडायनामिक स्क्वायर ट्रिक हूँ ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइनेस्ट टीचर ठीक अच्छे तो ये ट्रिक यूज करके आम ये कैलकुलेट करवा स्क्वायर बनवा ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइनेस्ट टीचर तेमती का क्रॉस मार दियो पी रु भी को एस रु टी को तापर जहाँ को बाहर करार अच्छे फास्ट मन कर डीएच इक्वाल टू फास्ट देखा मन कर डी यू इक्वाल टू फास्ट बाहर कर डी यू इक्वाल जब बाहर करुच तार देख तार आग पछ लेफ्ट राइट किए किए अच्छे डीएस अच्छे तो डीएस इक्वाल टू डीएस आउ डी डीएस सीधार किए अच्छे टी एरो डायरेक्शन अच्छी हाँ एरो डायरेक्शन अच्छी तुम पॉजिटिव तेणु टी डीएस भि डायरेक्शन किए अच्छी पी अच्छी बाकी एरो अपोजिट डायरेक्शन अच्छी तेणु नेगेटिव तेणु माइनस पी डी सेमतीका डीएच देख डीएच अपोजिट किए किए अच्छी पी एस तेणु डीपी डीएस तेणु पी डायरेक्शन किए अच्छी पी डायरेक्शन अच्छी के भि तेणु पॉजिटिव रे भी आसीबो सिमती के एस डायरेक्शन रे की होची टी होची तमे पॉजिटिव डायरेक्शन रे टी आसीबो तनो वीडीपी प्लस टीडीएस ठीक होची वीडीपी प्लस टीडीएस सिमती का
डीएफ रो बाहर करि परिबो डीएफ इक्वल टू माइनस एसडीटी माइनस पीडीवी से भला सब चेक करिक बाहर करि परिबो डीजी इक्वल टू केते होसे मिथिका माइनस एसडीटी प्लस वीडीपी तो ये भले एदिटा जिंस मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबो थर्मोडायनामिक स्क्वायर आ तुमरो मैक्सवेल रिलेशन या पर तुमर क्वेश्चन आसे ही आसे। नेक्स्ट देखिबा 66 नंबर क्वेश्चन से कौन कही थी तुम ऑक्टल नंबर दे गोटे 312 ऑक्टल नंबर देखिए डेसिमल को कन्वर्ट करने कही डेसिमल को जहाँ कोई कन्वर्ट कर 3 × 8^2 प्लस जब बैनारी था 2^2 डेसिमल लेते 10^2 मानते जहाँ भी नंबर सिस्टम था जब मैंने हेक्सा डेसिमल लेता था 16^2 यह भाई होता ठीक अच्छे तेनाली 3 × 8^2 × 8^1 2 × 8^0 जो नंबर सिस्टम यहाँ से रोपर जिते तम संख्या से पावर रोले यहाँ को कले 3 × 64 +8 + 2 इक्वल टू 202 आसला तेना करेक्ट ऑप्शन के 202 युवा कन्वर्सन निहाती देखिक रखी थी कन्वर्सन मैंने यहाँ बहुत ही फेमस क्वेश्चन डिजिटल यहाँ पर पचारे डिजिटल तुम कन्वर्सन पचारिपे बाइनरी अलजेब्रा भी पचारिपे तुम से सब जगह पर ध्यान दबो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज द एडिशन वैल्यू ऑफ बाइनरी अलजेब्रा मैंने बाइनरी नंबर देख डायरेक्ट बाइनरी एडिशन कहीदेला तुम एडिशन कर दियो 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 जो है 1 आसला ना 1 1 जो 0 आसला एटिक 1 पले आसला 1 1 0 आसला एटिक 1 पले आसला तो एटिक 1 है ला 1 0 1 है ला एटिक 1 है ला एटिक 1 है ला तो 1 1 1 1 0 0 केटा सो मैच हो देखो ऑप्शन बी सहित मैच हो ऑप्शन बी है करेक्ट बाइनरी जो वियोग एगुडा कोई मन रखिबो तापरे नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कही छी ए डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर ओनली वन बिट इज वन ओनली वन बिट इनफर्मेशन को डिजिटल सर्किट स्टोर करि पारे फ्लिप फ्लॉप ठीक अच्छे फ्लिप फ्लॉप ओनली वन बिट स्टोर करि पारे तापरे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होची तुम्हारा वन निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स तो वन निबल इक्वल टू होची केते 4 बिट्स वन निबल इक्वल टू 4 बिट्स बीट गुड़ाक हूँ कौन वन एंड जीरो युवाक इंडिजुआली हूँ बिट्स तो यह चार्ट बिट्स मिसो सीटा गोटे गोटे निबल हे आई भाया जो 8 बिट्स जो मिसो सोटा गोटे बैट हे देख ये सब पार्ट तुम एमएससी रो भी देख भलसे आस इलेक्ट्रोनिक्स सतुरी नंबर क्वेश्चन देख लास्ट क्वेश्चन तुम द आउटपुट ऑफ एन ओर गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ ए नैंड गेट द कॉम्बिनेशन विल सर्व एज ए तो बनई दि से जहाँ कही बन दि आउटपुट ऑफ ए ओर गेट तो गोटे ओर गेट नहीं नियो ओर गेट ना यार आउटपुटा कौन है कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट ऑफ ए नैंड गेट तो इमती का बोथ द इनपुट ऑफ ए नैंड गेट को कनेक्ट कर दियो नैंड गेट माने कौन एंड गेट ताऊपर गोटे नॉट गेट लगे थी नैंड गेट हो तो यार आउटपुट देख मन कर यहाँ ए यहाँ बी तुम फास्ट ए प्लस बी देन ये कौन यार बार हो तुम ए प्लस बी रार ये क्या भाया बिहेव कर नॉर गेट भाया इमती का भी नॉर गेट भाया जापार देख यहीटा देख एंड गेट माने नैंड गेट सिंगल इनपुट नैंड गेट गोटे कि भाया बिहेव कर नॉट गेट भाया बिहेव कर तो यार सिंप्लीफाइड सर्किट कि भाया डायरेक्ट ये भाया ही होटा कौन गोटे नॉर गेट तुम दि प्रकार तुम जापर ठीक अच्छे सब क्वेश्चन क्लीअर है बुझीपाल सब क्वेश्चन जदि कौ क्वेश्चन डाउट है कि कौ क्वेश्चन बुझी पार न कि कौ क्वेश्चन लगुच कि सल्यूशन टी मत अड़ुआ लगुच कि से भाया लगुच कमेंट करके पचार ग्रुप जॉइन करके भी डिस्कसन कर ठीक अच्छे ऑल द बेस्ट एग्जाम पाई भलसे प्रिपेरेसन कर फर्मुला गुड़ाक भलसे देख आउ जे जे जिनस कहली जे जे टॉपिक रो से गुड़ाक भलसे मैंने स्पेशल फोकस दियो ऑल द बेस्ट।